हेलो बच्चों, कौन कहता है कि अगर हम मेहनत करते हैं वो यूं ही व्यय चल जाता है। अगर हमने मेहनत करी है तो फल भी उसका जरूर मिलता है। आपके साथ मिलकर संकल्प भारत की टीम ने जो मेहनत करी है नीट 2024 के लिए, उसकी गवाही खुद नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर भी दे रहा है। जो कुछ आपने पढ़ा हमारे साथ में, चाहे वो नीट फिनाले हो, रैंकर्स एंड रिवीजन बैच हो, या फिर अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र 2.0 हो, हर जगह आपको जो क्वेश्चन कराए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको नीट 2024 के अंदर भी देखने को मिले हैं। क्यों मैम? बिल्कुल सर, और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा परिवर्तन बैच हो या आखिरी मैराथन हो, उसमें जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको कराए गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको कराए गए, जहां बोला गया है कि यहां से क्वेश्चन आएगा और वहां से क्वेश्चन आया है। यस, तो भाई इसीलिए कहा जा रहा है हम यहां पर ये केवल कोरी कल्पनाएं नहीं करने जा रहे, आपके साथ में विद प्रूफ हम रखने जा रहे हैं कि जो पढ़ाया वहीं से आया। क्योंकि तो बिल्कुल, अदालत सबूत मांगती है। यस सर, यस यस यस, बिल्कुल मैम। तो देखिए यहां पर पहला सवाल, जैसे हम जूलॉजी की यहां पर शुरुआत कर ले रहे हैं, पहला सवाल अगर हम देख रहे हैं सीधे मैम क्लास सेशंस से उठकर आए हुए हैं। यहां तक कि जब हमने टेस्ट के अंदर में आपके साथ में आपके लिए आरएनआर बैच लिया था, वहां पर भी डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे ही नहीं, क्रमबद्ध तरीके से हर एक जो सवाल है लाइन से दिखा सकते हैं आपको कि कैसे वो ऑलरेडी हमने देखो क्या एक तरह से मैम कॉपी पेस्ट कर दिया है, जैसे पेस्ट कर दिया है यहां पर भी। मैं और बार बार बोला गया था कि कॉमन डिजीज से मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आती है क्वेश्चंस, तो बिल्कुल वैसा ही हमने कुछ करा था और वैसा ही कुछ आया है। और एक नहीं सर, दो दो आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यस सर। अगला भी मैम देखते हैं, बायो रिएक्टर्स मैम दोनों जगहों पर लार्ज क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी के ऊपर स्टेटमेंट गलत कर दी गई है। यहां पर हमने मैच द फॉलोइंग में किया था लार्ज क्वांटिटी बायोरिएक्टर्स को लेकर पढ़ाया गया है, बहुत तेजी से लिखा हुआ है लार्ज। हाँ, तो बिल्कुल भाई देखिए एक एक मैं बता रहा हूं ना, हर क्वेश्चन का भाई देखा तुम लाइन से चाहे देखते जाओ। अगला यहां पर क्या, हमारी ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर में, ये देखिए प्यारों लाइन से आपको ऑटो इम्यून डिजीज जो है मैम ने करवाई है। यस, तो भाई कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं था बच्चों के लिए जो संकल्प भारत पर तैयार किए हैं कि कोई भी क्वेश्चन उनको आश्चर्य में डाल सके। तो ऐसे ही ये तो मैम नॉन एजुकेटेड आईयूडीज नीट फिनाले में भी जबरदस्त हमारा सवाल आया था। मैंने अपने लास्ट मैराथन में बोला था कि आईयूडी से मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है, और मैच द फॉलोइंग आया है, झूठ नहीं बोलती हूं मैं। बिल्कुल मैम आप सही कहते हैं, और ऐसा बिल्कुल देखने के लिए भी मिलता है आईयूडीज के अंदर। मैम ने डिटेल के अंदर चीजें आपके सामने क्लियर करी थी। और आगे बढ़ते हुए यूरोब्रेकिया, ये हमारा आ जाता है एनिमल किंगडम से। तो देखो भाई ऐसा भी नहीं है, सब कुछ आपको एज इट इज चीजें हैं विद, आप कह लीजिए। सर ने यहाँ देखो प्लूरोब्रैकिया, यहाँ रेड्यूला से क्वेश्चन आया, रेड्यूला से मार्क करा रखा है, स्टोमोकॉर्ड पे लाइन बना रखी है, ठीक है, एयर ब्लैडर पे लाइन बता रखी है, सीधे वहीं से इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर कवर कराई गई थी और वहीं से क्वेश्चन उठा है, कहीं अलग से क्वेश्चन आया ही नहीं है। चलो ये क्रम देखो, आगे भी नहीं थम रहा है, सीधे जो हमारी ये वाला क्वेश्चन था ये देखो एग्जैक्ट, ये सारी चीजें आप करवाई गई थी। भैया ध्यान कर लेना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यहां क्या होने वाली है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं बच्चे, कोई भी क्वेश्चन संकल्प भारत के स्टूडेंट को आश्चर्य में नहीं डाल सकता था। जिस बच्चे ने लास्ट मैराथन देखी है ना, मैंने चिल्ला के बोला था या ये वाला कर लो आएगा, तो इस पीपीटी से इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन आने वाला है, ड्रग से आ गया। देखो जिसने बात नहीं मानी वो फिर पछता रहा होगा। हाँ, यहाँ देखो यही चिल्ला रही exact, थी मैं। मैम यहीं पर बोल रही थी तुम्हें, ये ध्यान कर लो। आगे देखा जाए मैम, तो ये हमारे जैसे जगराज सर ने करवाया था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे, और ये आ गया जॉइंट्स पर, और जॉइंट्स देखो भाई साहब एक साथ एक स्लाइड के अंदर तुम्हें परोस कर देती थी सारी ज्वाइंट मैंने, ठीक है। जहां पर एग्जांपल भी अगर आप देखते हो ना, पिवट ज्वाइंट देखो, नी ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट के साथ में आ रहा है, बाजू के ज्वाइंट ये आ रहा है, ठीक है, फाइब्रस के अंदर में बोन ऑफ स्कल ही लिख रखा है मैंने। और जहां पर बात आ गई क्या कि कार्टिलेजनस रहता है, यहां पर हमने वर्टिब्रल कार्टिलेज की भी बात कर रखी है, सारी चीजें आप ये एक स्लाइड के अंदर में देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है स्टीरॉइड हार्मोन, ध्यान से देखना इसको सर, करिए आगे, यहां ग्लूकागोन ही बता रहे हैं सर, ठीक है, बोले ये ध्यान कर लो तुम, ये चीजें आएंगी, ठीक है बच्चे। आगे तुम देखते चलो, ये देखिए मैम कॉकरोच मैम, आपने बच्चों को जो कवायद बाय लैब से मैप में बिल्कुल एक पेज पे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहां यहां में हो गया। यस,
तो ये सारी जो है ना एग्जैक्ट आपको सेगमेंट के साथ में चीजें वहां पर क्लियर हुई थी। ये यहां पर आ गया हमारा एफएसएस से रिलेटेड। अगर बच्चों को याद हो आरएनआर बैच में ऐसा ही क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसके बाद मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया था कि इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ जाए। पर मैम वो एज इट इज फ्लो चार्ट भी आया है और स्टेटमेंट बेस्ड भी आया, यही वो फ्लो चार्ट तो कॉपी कर लिया है, है? बताओ बता रहे हैं यही से बना रहे हैं। सही बात है मैम, बिल्कुल। देखिए मैम ये स्ट्रोजर के बारे में जो आपने बताया था, एग्जैक्टली सर, बहुत सही। आगे चलते हैं। और ये भाई यहां मैंने जितनी बार आपके सामने ये पोर्शन आपके सामने रखा ना, मैंने कहा ये ध्यान कर लो आएगा, ठीक है। और जिस तरीके से ये क्या कॉलम मैचिंग करके हम लोग यहां पर देख रहे थे, हमको यहां पता था कि भाई टाइडल वॉल्यूम किस तरह का यहां पर आपके जो आउटकम जो था एक स्लाइड के अंदर भी चीजें आपके सामने रखी थी। और यहां पर मैं भी चिल्ला रहा था बच्चा ये कर लो ये आएगा, और वो आ गया, ठीक है। ये लीजिए यहां पर ये हमारे जो तीर के जो मसल्स हैं इनको लेकर बात अगर हम करते हैं, ये भी अपन ने कर रखा है डिटेल के अंदर में, ठीक है। और एक सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रखा है। यस, क्वेश्चन भी कर रखा है अपन ने, जो हमारे नीट फिनाले का चल रहा था, ठीक है, वहां पर सेशन के अंदर में हमने डायरेक्ट एज ही एज इट इज जो ये डायग्राम जो है उठको उसको उठाकर हमने कर रखा है, वो भी एग्जिस्ट करता है। ये फिर हमारे जगराज सर ने करवा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये देखो फ्लिपर, ये तो मैम एग्जैक्ट ऑप्शन भी वहीं पर रख रखा था, पर रख रखा है, क्वेश्चन हाँ। उल्टा आ गया है। देखे देखो यहाँ पर हमने पूछा है, देखो ये बताया है सर ने, सारा पढ़ाया है, और यहाँ पर हमने एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल पूछ लिए हैं, आंसर ही ये होना था, बस उधर उल्टा करके दे दिया। मतलब जो कुछ हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसको एक लाइन बनाकर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, देख लो। हाँ तो भाई चीजें कहीं भी ऐसी नहीं आई जो आपको आश्चर्य में डाल सके। ये अगेन आपका जगराज सर और परम सर के साथ में आपने किया होगा। ये अगला आ गया भाई हार्डी वेनबर्ग, और मैं चिल्ला चिल्ला कहता भाई ये पांच ही है, पांच हम पांच। तो देखो इन्होंने तीन रख के एक अलग कर दिया, देखो पांचों अपन ने लाइन से यहां पर मेंशन कर रखे हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बता रहा हूं ना चीजें जो है ना बहुत जबरदस्त तरीके से मैच हुई है। ये सर Yes, हाइमेन वाला क्वेश्चन सर आगे करिए स्लाइड जी मैम। ये देखो हमने पढ़ा भी है और क्वेश्चन देखो हाइमेन पे कराया भी गया है, यही yes. लाइंस है, हमें बस बताना है कौन सी करेक्ट थी, सेम एग्जैक्ट आपके बस स्टेटमेंट चेंज करके उसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए गए हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अभी अगर आ गया क्या था सर, डिजीज से आएगा, एक हमने कर लिया है, बिल्कुल मैम ये आ गया। अच्छा मैम ये तो आपने भी करवाया हुआ था, इवोल्यूशन का भी करवाया था आपने। मैराथन में मैंने इसके ऊपर स्टार लगाए थे कि बहुत जरूरी है, नहीं यकीन हो रहा देख लो, देख लो भाई स्टार। इतने स्टार लगाए थे मैम ने, अगर बच्चों ने ध्यान कर लिया होता भाई सब नंबर यहाँ पर लेके आए बच्चे। एग्जैक्टली सर कि ये आना है, ये देखो स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैम यहाँ पर, और ये दीजिए स्ट्रक्चर आपने पढ़ाया भी गया है दोनों जगह पर, यहाँ पर खास एम्फेसिस किया था मैम ने कि आप इसको ध्यान जरूर करके चलें। अगला ये आ गया हमारा सिलोमेट्स का, ठीक है। एक ही स्लाइड के अंदर में तीनों चीज हमने यहां पर आपके सामने रखी थी, ए सिलोमेट हो, सीडो सिलोमेट हो, या सिलोमेट्स हो, क्या उनके अंदर कंपोजिशन रहती हैं सारी आपके सामने क्लियर। और यहां पर क्या विद एग्जांपल रखे हैं, एस कलमेंटिस में ये है, ठीक है, एनलीडा कॉर्डिटाइन के अंदर में ये है, और ये फिर हमारे प्लेटी एलमेंटिस और इन सब के अंदर में आ गया जाता है। तो अब ये देखिए सारी तो जगराज सर का पार्ट है, यस यस यस, उन्होंने भी कराया है जबरदस्त तरीके से। देखो बार बार सर ने बोला था कि कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, कर लेना है ना, यहाँ पर सर ने बना के भी दिया है पूरा पूरा, और वहां से क्वेश्चन भी आ गया है। ऐसा काय करते हो, याद होता सुने होते तो आता ना ये वाला, मैम करके आए करके आए बच्चे, यस करके आए बच्चे। तो ये देखा जाए अब ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड आ गया है, तो देखो भाई ब्रेन से रिलेटेड, यस वो वाली स्लाइड, अच्छा वो स्लाइड मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं, एक स्लाइड मिस हो गई यहाँ पर। कितनी बार बोला था, कितनी बार बोला था, दोनों ने मिलके बोला था नीट फिनाले में कि इस पोर्शन से वेक्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अलग से एग्जाम से दो दिन पहले 10 मिनट्स वाली सीरीज भी डाली गई थी, जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के तौर पे आपको पूरा वेक्टर समझाया गया था, वहां से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया सर आगे बढ़ो, देखो देखो बता रही एग्जैक्ट यही बता रखा रही हूँ। यहाँ पर देखो उस क्वेश्चन में भी आपने देखा हो तो आपका ओराई के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर भी हम ओराई के बारे में बात कर रहे हैं, yes. कि अगर हमें एक अच्छा डिजायर्ड कॉपी चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, यस ओआरआई राइट आंसर इसका ये होगा, उसमें भी वही चीज पूछी गई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड आ गया है, ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से, और यहाँ सर वही बताते हुए भाई आपका लूप ऑफ हेनले हो, चाहे यहाँ पर हमारे क्या क्यूबॉइडल
इनके जो एपिथीलियम है सारी चीजें आपको बताई गई थी एग्जैक्ट, और वहीं से उठकर आया है सवाल। नेक्स्ट देखो, ब्रेस्ट फीडिंग, यार ये तो आपको ह्यूमन हेल्थ में भी कराया गया था, ये आपको आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कराया गया था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया गया था। यहाँ देखो, ये आपका करा रखा है, आईजीए बता रखा है, और यहाँ पर आईजीए और कोलोस्ट्रम से रिलेटेड, लैक्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रखा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है भाई, अगर ध्यान से पढ़ोगे कुछ नहीं छूटेगा नहीं। यहाँ सीक्वेंसिंग करने को बोला था सर ने, करके दी थी सीक्वेंसिंग, पूरी सीक्वेंसिंग करके दी थी। हाँ। इसी क्रम में ज्यादा याद कर लो, यही चीज आपके सामने आ गई, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था आपको यही से पता चल जाता। एग्जैक्टली सर, ये तो सर अपना नहीं था। yes, करवा रखा है भाई यहाँ परम सर जगराज सर ने। yes. देखो ये बायोटेक्नोलॉजी सर कितनी बार बोला था कि ये दो चैप्टर कर लेना, सुना तुम लोगों ने? और मैम जिसने सुना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता। बिल्कुल बिल्कुल बताना पड़ेगा। देखो ये क्राई वन ए बी और क्राई वन ए सी जब भी आया ना, वहां पर हमने कहा कि बच्चे ये वर्क कर लेना, कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ये ध्यान कर लेना। नीट फिनाले के अंदर भी क्वेश्चन हमने लिया था इससे रिलेटेड, तब भी कहा था आपको। ठीक है, यस आगे चले। देखो ये देखिए, पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। yes. और मैं आप लोगों को बोल भी रही थी मैराथन के टाइम पे कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, सब दूंगी, सब प्रूफ दूंगी। देखो yes, दे ऑलरेडी। चलो yes, ma'am, agrobacterium tubercules. इतना इजी क्वेश्चन आया था, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को जूलॉजी बहुत इजी लगी थी क्योंकि इजी आई थी। सही बात है मैम, और जिस तरह की कॉलम मैचिंग थे उसने तो दिल जीत लिया था। देखो बार बार बोला था ईसीजी से क्वेश्चन आएगा, और सर ने एग्जैक्ट वही ईसीजी, एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर क्वेश्चन नहीं आया, और ना ही एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाया गया। ठीक है भाई, एग्जैक्ट आपको जैसे रेंजेस सारी बताई गई दी गई थी, और वही चीज एग्जैक्ट यहाँ पर पूछी गई है। अगला जा रहा है ऑर्गेनिज्म वाला, चलिए ठीक है इससे आगे चलते हैं। ओके सेल आया होगा। हाँ देखो, अब ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये देखो यहाँ पर मैं यही करवा रहा हूँ जीआर के बारे में। हाँ पूरा पूरा करवाया गया था आपको ये वाला। यस अच्छा, डिजीजेस, अरे मैम कमाल कर रहे हैं ये भी सारी डिजीजेस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट फिनाले में कराए गए थे, और जो बच्चों ने नीट फिनाले देखा है उसमें बहुत बहुत मदद मिली होगी आपको, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत मदद मिली होगी इससे। यस तो सर गॉबलेट सेल वगैरह था। यस मैम चलो, ये अपना नहीं था सर। yes, ये आपको लेकिन कराया जरूर गया। बिल्कुल मैम बिल्कुल कराया गया होगा, परम सर जगराज सर ने ये चीज बहुत अच्छे से करवाई थी। ये रहा सर वो टेबल, ये आगे वो टेबल मैंने तो कही थी। हाँ टेबल से क्वेश्चन आएगा, वो भी इसी फॉर्मेट में आएगा, और इसी फॉर्मेट में पूछा है बोलो नीट ने। ठीक है एग्जैक्ट फॉर्मेट वही पूछा है, सही बात है मैम। ये आपका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है जो आपको जगराज सर परम सर ने ये तो बताया है ना, इतना तो मुझे ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये देखो यहाँ पर यही करवा रहा हूँ भाई, कंपैरिजन ही ध्यान कर लो तुम, कंपैरिजन ही देख लो उतने पे आ गई है। ये देखो यस मैम, मैम ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ये नीट फिनाले के अंदर करवाया हुआ अपन ने। ये देखो क्वेश्चन अलग से कराए हैं लेकिन कराए हैं, देखा कराए गए हैं, सब प्रैक्टिस कराई गई, और यहाँ पर सब बताया गया पूरा क्लियर क्लियर। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू भी और पढ़ा कर भी आपको क्लियर किया गया था माइंड के अंदर में ये सब कुछ। ठीक है, फिर यहाँ कॉर्पस कैलोसम के ऊपर में बात जैसे आ रही है, हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बीच का कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर। ठीक है ना, ब्रेन स्टेम की बात आ रही थी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सेशन के अंदर में कवर करी हुई है। ये हमारा एरा से ऊपर में आ रहा है, और इससे रिलेटेड भी हमारा Yes. आपका ब्लड ब्लड इस क्वेश्चन में सर जब मैं सॉल्व कर रही थी ना, जैसे पेपर आया था तो मैंने ना इतने ऑप्शंस देखे, नीचे वाले ऑप्शन देखे ही नहीं थे। अच्छा। और बहुत सारे बच्चे होंगे हाँ। जो ये मिस्टेक करके आए, उनको लग रहा है यही वाले हैं, बस इतना ही है, इसके नीचे कुछ दे ही नहीं। हाँ। बट देखो सर ने कराया बिल्कुल भाई, यहाँ बहुत अच्छे से मैम मैंने इनको क्लियर किया था, सेल्फ और नॉन सेल्फ के साथ में समझा कर चीजें बेहतर तरीके से इनके सामने क्लियर करी थी कि इनको कहीं पर भी ब्लड ग्रुप के अंदर दिक्कत ना आए। ये मैम अगला आ गया है लिम्फोइड ऑर्गन्स को लेकर, और ये आपने देखिए लिम्फोइड ऑर्गन कंप्लीट एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बस एक पहली लाइन ये है, बीच में एक लाइन और है, फिर तीसरी लाइन ये है एनसीईआरटी, बस देखो सर। तो सारी चीज मैम यहाँ पर माइंड मैप्स के अंदर कवर किया है, तो बच्चे कहीं से कुछ भी चीज, मैं बता रहा हूं ना संकल्प भारत पर जो अपन ने प्रिपरेशन करी, जो मेहनत करी, वास्तव में उसकी गवाही नीट 2024 का एग्जामिनेशन दे रहा है। तो बच्चे आप ये तय मानिए कि अगर आपने जो अपना जिम्मा उठाया गोल अचीव करने का ना, बच्चे हमने भी उठाया है ये। ठीक है, कहीं पर कोई कोर कसर नहीं बाकी रहने देंगे कि कहीं पर भी आपको कोई लैग फील हो जाए, और रियल में खुद
जो हमारी मेहनत है, हमें भी खुद ही आज यहाँ पर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भाई बच्चों के लिए जो चीजें हैं इतने बेहतर तरीके से हम क्लियर कर पाए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने जो हम पे थोड़ा सा, मतलब आपने जो भरोसा दिखाया, चाहे वो थोड़ा किया हो चाहे वो बहुत सारा किया हो, लेकिन वो भरोसे पे खड़े उतर के बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी मैम, बिल्कुल खुशी मिल रही है कि कुछ भी बाहर से नहीं आया, हर चीज पढ़ाई गई थी। हाँ, और बच्चे ये जो बात है 2024 में तो सिद्ध हुई ही है, लेकिन अब हम फिर तैयार है आप सभी के साथ में 2025 नीट के लिए भी, और इसमें भी हम अपना पूरा एफर्ट लगा देने वाले हैं। एग्जैक्टली, हम करने वाले हैं बाउंस बैक। तो जल्द ही अपन उस सेशन के अंदर भी मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारे नए सफर को, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।